नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। बेसिकली जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है वो टू टाइप्स की होती है, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। और भी होती है, जैसे फंक्शनल प्रोग्रामिंग होती है, लॉजिकल प्रोग्रामिंग होती है, बट यहाँ पर हम दो टाइप्स की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के कंसेप्ट समझेंगे। तो पहली है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम में क्या किया जाता है, प्रोग्राम्स को डिवाइड किया जाता है स्मॉलर प्रोग्राम में। अगर कोई सिंगल लार्ज प्रोग्राम है हमारा, तो उस लार्ज प्रोग्राम को क्या किया जाता है, स्मॉलर प्रोग्राम्स में डिवाइड किया जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल देखें तो सपोज़ एक प्रोग्राम है हमारा, सपोज़ 1000 लाइंस का है। ठीक है, 1000 लाइंस का है, सपोज़ आपको उसमें सम भी परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई भी परफॉर्म करना है, डिवीज़न भी परफॉर्म करना है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे फंक्शन, बहुत सारे काम करने हैं आपको। तो एक तरीका क्या है कि आप सिंगल फंक्शन बन, एक सिंगल प्रोग्राम बनाओ और इसमें ये सारे कॉन्सेप्ट्स को इम्प्लीमेंट करो, इन सबकी कोडिंग एक साथ लिखो। लेकिन दूसरा, इससे प्रॉब्लम क्या होगी, अगर हमने कोडिंग एक साथ लिख ली सभी की, तो अगर हमें कोई लाइन चाहिए, सपोज़ ये प्रोग्राम हमने एक ही प्रोग्राम में लिखा, तो मुझे सपोज़ ये 1000 लाइन्स की प्रोग्राम हो गई, तो 1000 लाइन्स का अगर ये प्रोग्राम हो गया और सपोज़ कहीं पर एरर आया, तो मुझे फ्रॉम टॉप टू बॉटम लाइंस को चेक करना पड़ेगा कि वो एरर कहाँ आया है। तो इसमें एरर चेक करना क्या हो जाता है, डिफ़िकल्ट। तो प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या कहती है कि अगर कोई प्रोग्राम ज़्यादा बड़ी साइज़ का है, तो आप क्या करो, उसके अंदर जो सब प्रोग्राम्स हैं, यानी कि उसके अंदर अलग अलग जो टास्क हैं, उनको अलग अलग प्रोसीजर्स में डिवाइड कर दो या अलग अलग फंक्शंस बना दो। जैसे हमने एक मेन प्रोग्राम बनाया ही है, ठीक है, अब ये मेन प्रोग्राम कैसे डिवाइड होगा, मल्टीपल फंक्शंस या प्रोसीजर्स में। जैसे सम के लिए हमने अलग फंक्शन बना दिया, मल्टीप्लाई के लिए अलग बना लिया, डिवीजन के लिए अलग बना लिया। ठीक है, ऐसे ही सपोज इनकी, इनमें भी कोई ऐसा कोड आ रहा है जिसको हम सब डिवाइड कर सकते हैं। तो इस टाइप से टॉप डाउन अप्रोच, या कह सकते हैं इसे टॉप डाउन अप्रोच कहते हैं, क्योंकि हम ऊपर से नीचे की तरफ प्रोग्राम को डिज़ाइन कर रहे हैं। तो इस टाइप से प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग वर्क करती है, जिसमें एक लार्ज प्रोग्राम को हम सब प्रोग्राम्स या प्रोसीजर्स में या फंक्शंस में डिवाइड करते हैं। तो इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लार्ज प्रोग्राम्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर प्रोग्राम्स कॉल्ड एज प्रोसीजर्स। इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अ प्रोग्राम इज रिटन एज ए सीक्वेंस ऑफ प्रोसीजर्स और फंक्शन। ठीक है, जिसमें प्रोग्राम को कैसे लिखा जाता है, एज ए सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस, यानी मल्टीपल फंक्शंस के फॉर्म में। ईच प्रोसीजर कंटेन ए सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग ए स्पेसिफिक टास्क। इसका मतलब है कि प्रोसीजर के अंदर क्या होगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जो उस स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए लिखे गए होंगे। जैसे सपोज हमें सम करना है, तो सम के अंदर क्या कोडिंग होगी, वो इंस्ट्रक्शंस होंगे जो प्लस एडिशन परफॉर्म करने में हेल्प करेंगे। तो इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, इसको ऐड करना है। इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, इसको मल्टीप्लाई करना है। इसका स्पेसिफिक टास्क क्या है, डिवीजन करना है। तो हर एक प्रोसीजर को एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए इंस्ट्रक्शंस लिखने होते हैं। तो ईच प्रोसीजर कंटेन्स अ सीरीज ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर परफॉर्मिंग अ स्पेसिफिक टास्क। अब ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन ईच प्रोसीजर कैन बी कॉल्ड बाय अदर प्रोसीजर। जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, तो एक प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर को कॉल कर सकता है। जैसे यहाँ पर सपोज मेन प्रोग्राम है, तो मेन प्रोग्राम कैन कॉल सम, अगर ये सम होता तो इसको कॉल कर देता सम। ठीक है, या फिर सपोज F2 फंक्शन, यानी फंक्शन टू को फंक्शन वन को कॉल करना है, और फंक्शन वन है सम, तो ये सम यहाँ पर लिख देगा। तो एक प्रोसीजर दूसरे प्रोसीजर को कॉल कर सकता है, किसमें, प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। टू कॉल ए प्रोसीजर वी हैव टू राइट प्रोसीजर नेम ओनली। हमें सिर्फ क्या लिखना पड़ता है, प्रोसीजर का नाम। अगर सम है उस प्रोसीजर का नाम, तो हमें ऐसा लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमें सिर्फ नेम से उसको कॉल करना पड़ता है। इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग मेजर इम्फेसिस इज ऑन प्रोसीजर्स एंड नॉट ऑन द डेटा। इस पे मेन फोकस कहाँ किया जाता है कि प्रोसीजर्स कैसे बनाने हैं। ठीक है, हर प्रोसीजर को क्या वर्क करना है, उसमें क्या कोडिंग लिखनी है, लेकिन डेटा कैसे मूव हो रहा है, डेटा कैसे यूज़ हो रहा है, उस पे इम्पोर्टेंस या फोकस नहीं दिया जाता है। ये आगे मैं आपको बताऊंगी। प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेजेस अलाउ द डेटा टू मूव फ्रीली अराउंड द सिस्टम। यहाँ पर डेटा जो है फ्रीली मूव करता है। सिर्फ किस पे इम्पोर्टेंस या फोकस रखा गया है, प्रोसीजर्स पे। डेटा कैसे मूव हो रहा है प्रोसीजर ओरिएंटेड लैंग्वेज में, इस पे फोकस नहीं दिया जाता है, तो वो फ्रीली मूव होता है। तो उससे क्या प्रॉब्लम आती है, वो आगे बता रही हूँ। अब नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है प्रोसीजर ओरिएंटेड की, कि वो टॉप डाउन प्रोग्राम डिज़ाइन अप्रोच को यूज़ करती है लैंग्वेज। ठीक है, टॉप डाउन प्रोग्राम अप्रोच मतलब पहले हमने
मेन प्रोग्राम बनाया, जैसे यहाँ पर हमने फिगर में देखा था, पहले मेन प्रोग्राम बनेगा यानी टॉप प्रोग्राम, फिर फंक्शंस या प्रोसीजर्स सब फंक्शंस बनेंगे, उसके भी सब फंक्शंस बनेंगे, तो हम फ्रॉम टॉप टू बॉटम प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में। और इसके एग्जांपल्स क्या हैं, कोबोल, फोर्ट्रॉन, सी, अलगोल, बेसिक, पास्कल, ये सारे एग्जांपल्स हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के। अब क्या होता था कि अगर हमें डेटा को शेयर करवाना है, देखो फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग मल्टीपल फंक्शंस और प्रोसीजर्स मैनी इंपॉर्टेंट डेटा आइटम्स आर प्लेस्ड एज ग्लोबल, ठीक है, दिस मेक्स डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, फंक्शंस में ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। इस पूरे पैराग्राफ का क्या मतलब है कि क्या होता था कि सपोज हमारे प्रोग्राम में मल्टीपल फंक्शंस हैं, और होंगे ही क्योंकि प्रोसीजर ओरिएंटेड है, तो मल्टीपल प्रोसीजर्स या फंक्शंस होंगे, तो ये फंक्शन वन है इसका खुद का लोकल डेटा है, ये फंक्शन टू है इसका लोकल डेटा है, फंक्शन थ्री लोकल डेटा है। लोकल डेटा कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ ये फंक्शन, ठीक है, इस लोकल डेटा को ये फंक्शन यूज़ कर सकता है, इस लोकल डेटा को ये फंक्शन। लेकिन सपोज हमें क्या करना था, एक ऐसा डेटा बनाना था जो सभी फंक्शंस एक्सेस कर पाए, तो उस डेटा को हमें ग्लोबल बनाना पड़ेगा। जिस डेटा को आप चाहते हो कि सभी फंक्शंस यूज़ कर पाए उसको क्या बनाना पड़ेगा, ग्लोबल। तो सपोज तो हमारे पास दो ग्लोबल डेटा थे, तो इसको फंक्शन वन भी यूज़ कर सकता है, फंक्शन टू भी, फंक्शन थ्री भी, इस ग्लोबल डेटा को भी फंक्शन वन, फंक्शन टू, फंक्शन थ्री। तो क्या होगा, कोई भी फंक्शन उठा के इसकी ग्लोबल डेटा की वैल्यू को चेंज कर देगा, क्योंकि हमें डेटा को शेयर करना था तो हमने ग्लोबल बना दिया, तो कोई भी फंक्शन उसको वैल्यू को चेंज कर देगा। सपोज इसकी वैल्यू 5 थी तो इसने 6 कर दी, इसने 7 कर दी, तो कोई भी फंक्शन इसकी वैल्यू को उठा के क्या कर दे रहा है, चेंज कर रहा है। क्या हमारा डेटा सिक्योर है, क्या हम शेयरिंग तो चाहते हैं, लेकिन चाहते हैं हम हमेशा ऐसा चाहते हैं कि डेटा सिक्योर है, लेकिन यहाँ पर डेटा सिक्योर नहीं रहेगा। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल डेटा इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो इसीलिए कहा है कि फॉर शेयरिंग ऑफ डेटा अमंग मल्टीपल फंक्शंस मेनी इंपॉर्टेंट डेटा आइटम्स आर प्लेस्ड एज ग्लोबल, दिस मेक्स डेटा मूव ओपनली अराउंड द सिस्टम फ्रॉम फंक्शन टू फंक्शन, एंड फंक्शंस में ट्रांसफॉर्म डेटा फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। एक वैल्यू से उसको वो दूसरी वैल्यू में चेंज कर देगा, ठीक है। तो उस केस में क्या ये इसका ड्रॉबैक है कि अगर इन डेटा ऐसे ओपनली मूव करेगा तो कोई भी उसको उठा के चेंज कर देगा, वो डेटा सिक्योर तो रहेगा नहीं। इन प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ग्लोबल डेटा कैन बी एक्सेस्ड एंड चेंज्ड बाय एनी प्रोसीजर और फंक्शन, देयर इज नो डेटा सिक्योरिटी। इन केस इफ यू वॉन्ट टू चेंज द टाइप ऑफ डेटा ऑफ ग्लोबल डेटा, अगर सपोज हम ग्लोबल डेटा का डेटा टाइप चेंज करना चाहते हैं, उसको डिफरेंट डेटा टाइप का लेना चाहते हैं, देन वी ऑल्सो नीड टू रिवाइज ऑल फंक्शंस दैट एक्सेस द डेटा। अगर उसका स्ट्रक्चर चेंज हुआ, उसका टाइप चेंज हुआ ग्लोबल डेटा का, तो जितने भी फंक्शंस उसको एक्सेस कर रहे होंगे उनको भी पूरा हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि डेटा एक्सेस करने का तरीका हो सकता है कि अलग हो, तो उस केस में हमें सारे फंक्शंस को देखना पड़ेगा। और सपोज करो कि एक ग्लोबल डेटा था, उसको 100 फंक्शन यूज़ कर रहे थे, और जब मैंने इसकी डेटा टाइप चेंज कर दिया यानी इसका स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, तो 100 में से सपोज मैंने 99 को कर दिया मैंने चेंज, लेकिन 1 को करना भूल गई, तो जब अगर 1 को करना भूल गई तो क्या होगा, एरर आएगा हमारे प्रोग्राम में, हमारा प्रोग्राम सही से एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो इन केस इफ़ यू वांट टू चेंज दी टाइप ऑफ डेटा ऑफ ग्लोबल डेटा और स्ट्रक्चर ऑफ ग्लोबल डेटा, देन वी ऑल्सो नीड टू रिवाइज ऑल फंक्शंस दैट एक्सेस दैट डेटा। ड्यू टू दिस इट मे हैपन दैट सम एरर्स विल ऑकर, अगर आप कहीं पर भी मिस कर गए तो एरर्स आ जाएंगे, इसका ड्रॉबैक था। दूसरा ड्रॉबैक क्या है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, कि इट डस नॉट मॉडल रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स वेरी वेल, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को हम इसमें नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते ईजीली, बिकॉज फंक्शंस आर एक्शन ओरिएंटेड एंड डू नॉट करस्पॉन्डिंग टू द एलिमेंट्स ऑफ द रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। इसका मतलब क्या है कि अगर कोई रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम है, ठीक है, आगे हम देखेंगे, तो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम, जैसे सपोज मैंने तुमसे कहा कि स्टूडेंट है, ठीक है, स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम ये रियल वर्ल्ड को बिलोंग करता है, इसमें स्टूडेंट्स होंगे, ठीक है, लाइब्रेरी होगी और क्लासरूम्स होंगे, अटेंडेंस होगी, ये सारी चीज़ें जो स्टूडेंट से रिलेटेड है वो सब होगा, और रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सारी होती हैं ऑब्जेक्ट। आगे हम देखेंगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, तो हर एक चीज़ को हम ऑब्जेक्ट की तरह लेते हैं, जबकि यहाँ पर हम सिर्फ देख रहे हैं कि कैसे फंक्शन बनाना है, उस फंक्शन को क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, उसकी कोडिंग कैसे लिखनी पड़ेगी,
रियल वर्ल्ड से उसका कोई रिलेशन नहीं होता है, तो इसीलिए हम क्या यूज़ करते हैं, ये इसका ड्रॉबैक है प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का।